नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नोटबंदी का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पूरा रिपोर्ट कार्ड, साल भर की एक्टिविटी, साल भर में आरोप प्रत्यारोप और जो अब तक का सिलसिला है सब आपके सामने रखेंगे। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इस फैसले का एक साल पूरा हो रहा है। बीते एक साल में सरकार के इस फैसले को लेकर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत सारी बातें लिखी गईं, आपने भी इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखी। लेकिन अब वक्त है आंकड़ों की रोशनी में नोटबंदी के इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट, उसके लाभ, उसकी हानि को जांचने का। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जैसे सख्त कदम देश को किस तरफ ले गया है, ये जानने समझने का प्रयास आज आप हम मिलकर करने वाले। इससे पहले कि हम अपने एक आज के विराट एक्सपर्ट का, जो हमारा पैनल है, उसके आपको मुखातिब कराएं, उससे हम बातचीत शुरू करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल इस कदम और इस कदम के बाद क्या क्या हुआ है। देखिए, पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही 8 नवंबर को देश के कैश सिस्टम को 440 वोल्ट का करंट लगा था। आजाद भारत में पहली बार लोगों ने एक नए संकट का सामना किया, जहां उनके पास 500 हजार के नोट तो थे पर वो उनसे अब कुछ खरीद नहीं सकते थे। एटीएम और बैंकों में हुजूम उमड़ने लगा। देखते ही देखते पूरा देश कतार में लगा नजर आया। नोटबंदी के बाद के 50 दिन बेहद तूफानी रहे, जहां तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गईं। एक तरफ कैश विड्रॉवल की समस्या, तो दूसरी ओर पुराने नोट एक्सचेंज करने का सिरदर्द। इन सब के बीच सरकार ने लगातार लोगों को राहत देने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2000 के गुलाबी नोट के दर्शन हुए, 500 के नए नोट भी बाजार में आते गए। इसी बीच कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए सरकार ने तमाम उपायों की घोषणा की। सरकार ने कहा, नोटबंदी का मकसद है काले धन का खात्मा, सर्कुलेशन में मौजूद नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसना और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। लोगों के लिए नोटबंदी का दर्द सहना आसान नहीं था, पर सब्र के साथ भारत की जनता ने सब कुछ झेला। जानकारों ने कहा कि देश का कैश सिस्टम नोटबंदी के लिए तैयार नहीं था। विपक्ष ने कहा नोटबंदी बेअसर रही, पर सरकार ये दावा करती रही कि विमुद्रीकरण जरूर असर दिखाएगा और ये देश के लिए जरूरी भी था और फायदेमंद भी होगा। इसके पीछे सरकार का सियासी एजेंडा होने की बात कही गई। कहा गया कि यूपी समेत दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले थे, जिसके लिए नोटबंदी की गई। इससे सियासी दलों के पास मौजूद काला धन बेकार हो गया और उनके फाइनेंसर भी इस स्थिति में न रहे कि चुनाव में उन्हें कोई वित्तीय मदद कर पाते। नतीजा, बीजेपी को फायदा पहुंचा और वो यूपी, असम जैसे राज्यों में बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। नोटबंदी के एक साल बाद सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। वो ये बता रही है कि इससे देश में क्या क्या बदला। व्यवस्था में तो स्वाभाविक रूप से अधिक कैश होता है तो वो एक भ्रष्टाचार का एक केंद्र भी बनता है और कारण भी बनता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, हाई डिनोमिनेशनल करेंसी कुछ मात्रा में स्क्वीज की गई है, टेरर फंडिंग के ऊपर एक बड़ा स्क्वीज लगा है। लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई। एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है।
दूसरी ओर विपक्ष ने 8 नवंबर को काला दिवस मनाने की तैयारी कर ली है। वहीं पीएम मोदी पहले ही अपने इरादे साफ कर चुके हैं, वो जल्द ही बेनामी संपत्ति को लेकर और कड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद अपना अगला टारगेट बेनामी संपत्ति को बनाया है। दरअसल नोटबंदी के एक साल बाद सरकार करप्शन के खिलाफ जंग को जारी रखने का मजबूत संकेत देना चाहती है। मतलब ये कि 2016 में नोटबंदी के जरिए सरकार ने जो सियासी मिशन शुरू किया, उसे 2019 के आम चुनाव तक वो जिंदा रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, इसकी बात हम आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आम इंसान के ऊपर, आप पर, हम पर, बाजार पर, अर्थशास्त्रियों के ऊपर, अर्थव्यवस्था पर और साथ ही साथ तमाम उद्योग जगत की हस्तियों पर इसका क्या असर पड़ा, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक वर्ष पूरा होने को लेकर के तमाम तरह के आरोप, उनका प्रत्यारोप, दिन भर जो पूरा घटनाक्रम घटा, इसके अलावा पिछले एक साल में नोटबंदी के बाद चाहे जितने लाभ गिनाए गए हों और चाहे जितने नुकसान बताए गए हों, इन सब की रोशनी से अलग जाकर आंकड़ों की रोशनी में आपको क्या दिखता है, हमारे एक्सपर्ट इस पर क्या मानते हैं, एक साल पर्याप्त होता है किसी भी चीज़ के आंकलन को लेकर के या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे साथ में आज एक बहुत बड़ा पैनल है, एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे कराते हैं। अशोक पारक साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे पैनल में अक्सर आप इनको देखते हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे एक साल बाद ये क्या सोचते हैं। अमित चिमनानी जी हैं, जो कि रायपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक्सपर्ट के तौर पर हमसे अक्सर हमारी आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के मंच पर दिखते हैं। राधेश्याम माहेश्वरी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, आपका भी स्वागत है। दीपक भंडारी साहब हैं, उद्योगपति हैं, हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टारजन रायपुर से और उनके साथ तमाम लोग हैं, और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से, उनके साथ में भी तमाम लोग हैं, और कुछ देर बाद हम आपको इंदौर में हमारे सहयोगी दीपक के पास भी ले चलेंगे। फिलहाल हमारे इस पूरे एक्सपर्ट पैनल से चर्चा करके जानने समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि आज नोटबंदी पर एक वर्ष पूर्ण होने पर जितने सवाल हमारे आपके मन में हैं, इन सारे सवालों से अलग जाकर कुछ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला 24 घंटों में हम देख रहे हैं। हिमाचल की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के एक साल पर क्या कहा है, सबसे पहले एक नजर आप इस पर भी डालिए। 500 और हजार की नोट गायब हो गई, आपके भी गए होंगे, लेकिन आप मोदी पे गुस्सा करते हो क्या? गुस्सा करते हो क्या? आप मोदी पे नाराज हो क्या? लेकिन कुछ लोग अभी भी भूल नहीं पा रहे, सारा चला गया, बोरियां की बोरियां चली गई, बताना पड़ा उनको, बैंकों में जाकर के नाम के साथ लिखवाना पड़ा कि रुपया मेरे नाम से है, अब मोदी पीछे पड़ा है, आप खोज खोज करके निकाल रहे हैं भाई। ये नोटबंदी हम न करते, ये पैसे आते कहां से हैं, जाते कहां हैं, उसकी पूंछ नहीं पकड़ते, तो कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे किस रास्ते से आते हैं वो कभी पता नहीं चलता, और कश्मीर के आतंकवादी आज दिल्ली की जेलों में नहीं सड़ते। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के लोग ब्लैक मनी डे मनाएंगे तो ये देश एंटी ब्लैक मनी डे मना रहेगा, ये मैं उनको चेतावनी देता हूं। वो ये दबाव पैदा करना चाहते हैं कि मोदी और कठोर कदम न उठाएं और उनको पर आपत से बचने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन कितने ही ड्रामा कर लें, जिन्होंने देश को लूटा है वो अब बचने वाले नहीं है। तो साहब, ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था नोटबंदी का, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार का अपने इस कदम का, इसका बचाव करने के लिए तमाम तरह के तर्क जो दिन भर मंत्री देते रहे, उसी की श्रृंखला में शुरुआत हुई थी। उन्होंने भी कहा कि इससे देश को क्या लाभ मिला, किस तरह के सुधार हुए, और साथ ही साथ ये कहा गया कि सारा देश जो है एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर इस दिन को याद भी रखेगा, सेलिब्रेट करेगा। विपक्ष कहता है कि वो ब्लैक डे बनाएगा। इस पॉलिटिक्स में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है
वो अच्छी तरह से इसके वास्तविक अर्थ, इसके वास्तविक इफेक्ट, इन सब का डेटा लेकर तैयार है। बिना देर किए इनके पास चलते हैं। अशोक पारख साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। अशोक जी, सीधा सवाल, एक साल नोटबंदी का आकलन आपका क्या कहता है, देश को क्या मिला? आप देखेंगे कि एक साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही थी। जैसे ही अचानक नोटबंदी की घोषणा की गई, वैसे ही अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका लगा। और आप आज देखेंगे कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो घट करके 5.7% रह गई है। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट का यदि आप अध्ययन करें तो जो एक साल पहले 10.7% चल रही थी वो आज घट करके 1.2% रह गई है। इसी प्रकार से नोटबंदी के बाद आप देखेंगे कि एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उद्योगपतियों को और व्यवसायियों को करना पड़ा। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो उद्योग थे वो सामान्य रूप से नकदी पे ज्यादा कार्य करते थे। मजदूरों का जो वेतन भुगतान होता था वो भी नकदी में होता था, उनको नकदी की किल्लत के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई उद्योग बंद हो गए, छोटे मोटे उद्योगों को काफी घाटा पहुंचा और यह स्थिति से अभी तक वे उबर नहीं पाए हैं। तो मैं यह देखता हूं कि सामान्य रूप से यदि नोटबंदी नहीं की जाती तो वर्तमान समय में जीडीपी की रफ्तार है वो कम से कम 8% रहती, और जीडीपी की रफ्तार यदि बढ़ जाती तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो भारतवर्ष में गरीबी है, भारतवर्ष में जो भूख की समस्या है, भारतवर्ष में जो रोजगार की समस्या है वो काफी अंश तक सफल हो सकती थी, उस पर काफी असर पड़ सकता था। ओवरऑल अगर आपकी बातों को समेटना चाहें तो इस कदम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपने नहीं देखा, ना अर्थव्यवस्था पर, ना देश के लोगों पर। ये ओवरऑल आपकी बात। मुझे ऐसा लगता है कि नोटबंदी केवल नोट बदली के रूप में परिवर्तित हो गई। आप देखेंगे कि 99% नोट वापस आ गए। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि नोटबंदी के माध्यम से कालाधन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक तर्क दिया आज दिन भर मंत्रियों ने। उन्होंने ये कहा कि जो 99% नोट वापस आ गए हैं वो ब्लैक से व्हाइट में तब्दील नहीं हो गए, अब उनकी जवाबदेही बनेगी। क्या उससे इकोनॉमी में फायदा मिला है? नहीं, इससे बहुत अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सामान्य रूप से आप देखेंगे कि कैश में जो ब्लैक मनी है ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि वो लगभग 5% के आसपास होगी। हमारी जो ब्लैक मनी है वो गोल्ड में, आर्नामेंट्स में और रियल एस्टेट में लगी हुई है। जब तक इसके ऊपर वार नहीं होगा तब तक ब्लैक मनी समाप्त नहीं हो सकती। मैं यह समझता हूं कि ब्लैक मनी हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार के ऊपर हम यदि रोक लगा दें तो ब्लैक मनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। चले, मैं आपके पास थोड़ी देर बाद लौटूंगा। और आम इंसान को इससे क्या मिला, क्योंकि तब ये कहा गया था कि बैंकों में पैसा लौटेगा तो बैंकों का ये पैसा आपके हमारे काम आएगा, ये उद्योगों के काम आएगा, ये लोन की दरों को कम नीचे लेकर आएगा, ये लिक्विडिटी बढ़ाएगा, ये फ्लो बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म के तौर पर दिखा नहीं। लेकिन रिफॉर्म कड़वी दवाई के तौर के ऊपर बहुत कुछ मिला साल भर के दरमियान। बातें जारी रहेंगी। अमित जी, आपका क्या तजुर्बा इस एक साल को लेकर? कारोबारी सीधा आपसे जुड़ा है, वो सीधा आपके पास आता है, उसकी सोर्स, उसके इनकम, उसका व्यापार सब आपकी आंखों के सामने। नोटबंदी से अगर व्यापार को नुकसान होता तो मुझे लगता है इस बार हमने जो ऑडिट्स किए हैं जो अभी 7 नवंबर को खत्म होने वाले हैं उसमें सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी जानी चाहिए थी अगर व्यापार को कोई बहुत बड़ा असर होता तो। हमने देखा है कि सेल्स पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा आई है। इसका कारण यह है कि पहले लोग अनअकाउंटेड सेल्स करते थे लेकिन मजबूरन उनको बैंक में पैसा जमा करना पड़ा, वो सेल्स जो वो नहीं दिखाते अगर नोटबंदी नहीं होती तो वो उनको दिखानी पड़ गई। और न सिर्फ इस साल उन्होंने दिखाई है, चूंकि एनपी रेशियो उनका बढ़ गया है, जीपी रेशियो बढ़ गया है, तो इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से उनको वो हर साल मेंटेन भी करना पड़ेगा। यानी हर साल जो इनकम उन्होंने दिखाई है वो उनको दिखानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सरकार के लिए, सीबीडीटी के लिए। अभी आंकड़ा आया है कि 27% इनकम टैक्स पेयर्स बढ़ चुके हैं। 1961 से इनकम टैक्स एक्ट लागू है, आज 2017 चल रहा है, 2016 में नोटबंदी। पारख जी का आंकड़ा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ग्रोथ को नापने वाले जितने पैरामीटर्स हैं उन सब पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा, ना कारोबार के ऊपर ना जीडीपी पर। कारोबार पर अगर असर नहीं पड़ता तो सेल्स में गिरावट आनी चाहिए थी, मुनाफे में कमी आनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो टैक्स पेयर अभी बढ़े हैं, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वो अभी एक महीने पहले का आंकड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 16-17 की टैक्स फाइल करने की डेट अभी भी 31 मार्च है। 27%
ग्रोथ हो चुकी है। 31 मार्च तक ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। 31 मार्च के बाद भी लोग रिटर्न फाइल करेंगे, सिर्फ 5000 रुपए की पेनाल्टी है। तो ये आंकड़ा मुझे लगता है 40-45-50% अगर चला जाता है, 50 साल का जो टैक्स पेयर हम मेंटेन कर रहे हैं, एक साल में अगर 50% ग्रोथ कर गए तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक। अशोक जी, बहुत जल्दी से इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो असर पड़ा है असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के ऊपर पड़ा है। असंगठित क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाना काफी कठिन है। आप देखेंगे कि बेरोजगारी की जो रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ी है, और सामान्य रूप से इनकम टैक्स के जो करदाता है बढ़े हैं वो एक नहीं, अच्छा उनका कदम एक तर्क है कि अगर ऐसा होता तो सेल्स भी प्रभावित होती, जो ऑडिट ये कर रहे हैं इसमें उनको बढ़ोतरी दिख रही है। नहीं, सामान्य रूप से असंगठित क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो ऑडिट में नहीं आते, और भारतवर्ष का जो बहुत बड़ा व्यवसाय है वो असंगठित क्षेत्र में है। छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे मोटे जो व्यवसायी होते हैं, वो सामान्य रूप से ऑडिट के दायरे में नहीं आते। जी, कोई आंसर इसका? जो लोग ऑडिट में नहीं आते हैं वो रिटर्न फाइलर्स में आते हैं, और उनकी संख्या 30% बढ़ चुकी है। चलिए, मैं आप दोनों से फिर इस बारे में और डिटेल बात करूंगा। स्टार जैन रायपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनके साथ में तमाम लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार, बहुत जल्दी से सबसे बात कीजिएगा, नोटबंदी का एक साल कैसे देखते हैं लोग? जी, नोटबंदी में लोगों की क्या राय हो जाते हैं, साल भर होने जा रहा है नोटबंदी को, क्या किस रूप से देखते हैं आप, कितना इसे मानते हैं, कितना बदलाव हुआ है, क्या असर देखते हैं? 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये नोटबंदी का फैसला था, शुरू में तो काफ़ी कष्ट लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है वास्तव में वो निर्णय बहुत सही था हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसका फायदा अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। क्या आप राय रखते हैं नोटबंदी से कितना असर हुआ आपको लगता है? बहुत ही फायदा हुआ है सबको नोटबंदी से, इन्होंने बहुत ही सही निर्णय लिया है। किस टाइप से फायदा हुआ जानना चाहेंगे, नोटबंदी का आप लोग क्या देखते हैं, क्या असर हुआ नोटबंदी से आपको लगता है? नोटबंदी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा के रखे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। लोगों ने अलग अलग तरीके और अलग अलग रास्ते निकाल लिए उससे बचने के लिए, तो नोटबंदी का और अच्छा फायदा होता, लेकिन ठीक था, एक्टिव कदम था, बहुत अच्छा लगा। क्या राय रखते हैं आपको, क्या लगता है कि नोटबंदी से कितना असर पड़ा है, मतलब कितना? नोटबंदी अभी तक तो पूरी तरीके से सफल रहा है। देखिए, हम लोग जैसे भारत की इकोनॉमी की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे रूप से सुधरी है, और जस्ट अभी 2-3 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 30 पायदान ऊपर छलांग मार के हम लोगों ने सोमवार रैंक हम लोगों ने हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी सक्सेसफुल जो ये डिसीजन लिया गया था उसका कहीं ना कहीं वो पूरा परिणाम सामने निकल के आ रहा है। क्या राय रखते हैं आप नोटबंदी को लेकर? मेरे हिसाब से नोटबंदी जो है भारत के इतिहास में बहुत ही अच्छा फैसला था। फायदा या नुकसान क्या हुआ आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसका फायदा यदि जानना है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, स्टार, ज्यादातर लोगों की राय ये है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्टार, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इससे लाभ हुआ और इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है कि यही स्ट्रेंथ शायद रूलिंग पार्टी की है कि लोग अभी भी इस बारे में इंतजार करने के लिए तैयार, इनको अभी भी लगता है कि इंतजार करने पे अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। राधेश्याम माहेश्वरी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। साहब, आपका रिएक्शन चाहता हूं, एक साल बाद कितना असर, क्या असर? मैं समझता हूं कि व्यापक स्तर पे अगर इसका अध्ययन और मनन किया जाए तो ये सबसे बड़ा शासकीय निर्णय था, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही जिम्मेदारी का निर्णय था आदरणीय मोदी जी का, और राष्ट्र हित में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। उस दृष्टि से हम देखें तो जम्मू कश्मीर में आज की और साल भर पहले की परिस्थिति में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र ठीक है, राष्ट्र ठीक रहेगा तो हमारा व्यापार ठीक रहेगा। नंबर दो, जो लोग सिस्टम में काम करने के आदी हैं और जो कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है नोटबंदी से। केवल कुछ लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चिल्ला चोट कर रहे हैं। सिस्टम के बाहर वाले लोगों को तो तकलीफ आना थी, और ये उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम था और ये स्वागत योग्य कदम था, और इसी दृष्टि से गृहिणी के लिए बहुत उपयोगी रहा। चलिए ठीक है, ओवरऑल आपने दो पॉइंट अच्छे दिए, एक आपने का सुरक्षा का और दूसरा आपने का जो लोग सिस्टम में उनके लिए बेटर है। आपने दो पॉइंट दिए हैं। जी, आपने दो पॉइंट दिए माहेश्वरी जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, मैं दीपक जी हमारे साथ में जुड़े हैं सचिव है मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ के। दीपक जी, क्या आपकी राय, आपको क्या लगता है एक साल में क्या मिला है? देखिए, जो सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्योग हैं उनके ऊपर तो गाज गिरी है, क्योंकि
इनका जो व्यापार होता है वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और भारत की इकोनॉमी आज भी गांव से चलती है। एक बहुत बड़ा योगदान है ग्रामीण इकोनॉमी का भारत के जीडीपी में। तो गांव में लोग आज भी इस चीज को आत्मसात नहीं कर पाए हैं कि डिजिटल इंडिया हो जाए या स्टैंड अप इंडिया हो जाए या स्टार्टअप इंडिया हो जाए, और वो लोग आज भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो समझते जाएंगे वो इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन एक साल तो बहुत कठिन गुजरा है, क्योंकि जो इकोनॉमी में जो नोट चले गए वो वापस नहीं आ पाए हैं, और बैंकों ने भी लोन देना शुरू नहीं किया है। बैंकों में पूरा पैसा चला गया लेकिन वो वापस से इंडस्ट्री के पास नहीं आया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अभी काफ़ी तकलीफ के दौर में है, और जिस प्रकार से एक रिसेशन का दौर चल रहा है और जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, रियल इस्टेट है या जो इससे जुड़े हुए सेक्टर है, वहाँ भी अभी काफ़ी तकलीफ का दौर चल रहा है जी। तो उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को तो नहीं मिला है और लोग भी अभी इस नए सिस्टम को भी समझ नहीं पाए हैं। देखिए, व्यापार बहुत आ गया है, पैसा मार्केट से एकदम ख़त्म हो चुका है और व्यापार बहुत दिक्कत आ रही भैया। जहाँ पहले ऐसे ट्रांजेक्शन होते थे एकदम व्यापार रुक सके एकदम, तब से व्यापार आधा से भी कम हो गया है। अब व्यापार पहले की अपेक्षा नहीं रह गया है, बहुत कमजोर हो गया है। कि अपने देश में इतना माल होने के बाद भी आप इंपोर्ट जारी रखे हैं, एक्सपोर्ट खोल नहीं रहे हैं, किसान बिल्कुल गर्त में चला जा रहा है, भाव बिल्कुल गर्त में हो गए। जो 20 साल पहले 25 साल पहले भाव चलते थे वो भाव आते जा रहे हैं। वो तो कोई भी बदलाव आता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। दो चार दिन थोड़ा सा ये हुआ कि ग्राहक ले आ रहे थे पुराने नोट, अपन ने मना कर दिया, फिर धीरे धीरे रोटेशन बन गया अपना। उस समय कुछ फर्क पड़ा था दो तीन महीने, उसके बाद नोटबंदी का असर तो खत्म हो गया। अब कुल मिला के व्यापार ही कम है, हर चीज़ों में ग्राहक नहीं है और रेटों में काफ़ी मंदी है, उसके कारण मार्केट में बिजनेस पूरा कम हो गया। और जब बिजनेस कम हो गया तो माल जो है सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑलरेडी रेट सारी चीज़ों के डाउन हो गए। जो चोर व्यापारी हैं उनको असर पड़ा है, हमको कुछ भी असर नहीं पड़ा है। तो ये आप कुछ प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, कुछ आम लोग, कुछ कारोबारी जो बता रहे थे कि नोटबंदी के बाद पिछले एक साल में अब काफी चीजें रोटेशन पर आने के बाद में उनको सामान्य लग रहा है, लेकिन ओवरऑल व्यापार कम हुआ है ये भी वो कह रहे हैं। तो क्या ग्रामीण इलाकों में या छोटे मझोले उद्योग, इनके ऊपर कोई असर पड़ा? क्योंकि ये उन जगह के लोगों या उन जगह के व्यापारियों की बाइट थी जो छोटे इलाके माने जाते हैं बनिस्पत बड़े बड़े शहरों के। हमारे साथ में पूरा पैनल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमारे सहयोगी दीपक यादव इंदौर से जुड़ गए हैं, उनके साथ में भी तमाम लोग हैं और भोपाल से राकेश भी जुड़े हैं। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, भोपाल चलते हैं राकेश के पास में। राकेश, एक साल नोटबंदी का क्या लोगों का रिएक्शन मिला ओवरऑल? देखिए पुनीत, इस समय मैं भोपाल के सबसे बड़े कॉमर्शियल इलाके एमपी नगर में मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम व्यापारी मौजूद हैं, व्यापारी संघ है, उसके प्रवक्ता मौजूद हैं। व्यापारी वर्ग इन एक साल के बाद नोटबंदी जो हुई है उसको लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है? हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से एक साल पहले एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया था, और हम सभी जानते हैं कि उनकी मंशा एकदम साफ और स्वच्छ थी कि भारत को हमें कैशलेस बनाना, इकोनॉमी बनाना है और भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति चाहते हैं, और उसके कारण थोड़ा कहीं ना कहीं हम व्यापारियों को पिछले एक साल में 10-20% की मंदी का सामना करना पड़ा है, और उसके बाद भी हम सरकार के साथ हैं और उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। बस हमारी एक मांग है कि कैशलेस इकोनॉमी अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मीडियम आज भी डिजिटल पेमेंट का प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैं। उन कार्ड पे हमको 1.5-2% सभी व्यापारियों को MDR चार्जेस देने पड़ते हैं, जो चार्जेस कहीं ना कहीं हमें हतोत्साहित करते हैं कि हम कार्ड से पेमेंट डालें। की बात करें, साल भर हो गया है, व्यापार पर कुछ असर क्या पड़ा है? पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा? अभी फिलहाल तो नेगेटिव ही असर रहा है पिछले एक साल में, पर हम आगे उम्मीद करेंगे कि असर पॉजिटिव ही आएगा। फिर भी आप पॉजिटिव दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं पॉजिटिव हूँ, हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उन्होंने अच्छा किया है, हम समझते हैं अगले सालों में हमें एक अच्छा भारत देखने को मिल सकता है। चलिए राकेश, ओवरऑल कारोबारी मानते हैं कि अभी एक साल हुआ है, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, लेकिन फिर भी आगे वो होपफुल है कि उनको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। राकेश लौटेंगे आपके पास में, अभी हम फिलहाल दीपक के पास में चलते हैं इंदौर। दीपक, क्या रिएक्शन है इंदौर वासियों का एक साल नोटबंदी का इसको लेकर के? देखिए बिल्कुल
नोटबंदी का एक साल हो चुका है और मैं मौजूद हूँ आर्थिक राजधानी इंदौर में, और इस वक्त राजवाड़ा पे जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी ने एक साल के दौरान नोटबंदी से क्या असर लिया, क्या कैसा रहा आपका एक साल नोटबंदी के बाद? सर जी, जैसा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षाएं थी कि नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान के अंदर काला धन आतंकवादियों के माध्यम से जो धन यहाँ से वहाँ होता था, ऐसे जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर नोटबंदी का वास्तविक जो असर होना था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आम आदमी के लिए कैसा रहा ये? आम आदमी के लिए कहा जाए तो बिल्कुल फ्रॉड साबित हुआ है सर। आप क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आई आपको एक साल के दौरान, या बहुत अच्छा रहा आपके लिए? सर बहुत बुरा रहा है सर, न सिर्फ छोटे लोगों के लिए बल्कि व्यापारी, बड़ा उद्योगपति, शहर का उद्योगपति, सभी के लिए, किराना व्यापारी सभी के लिए बड़ा दुखदायी साल रहा है। अपना खुद का रुपया आदमी बैंक से नहीं निकाल पा रहा है। जिस कैशलेस की बात मोदी साहब ने कही थी, उस कैशलेस में हर ट्रांजेक्शन के ऊपर हजारों रुपया काटा जा रहा है। 10,000 बैंक में जैसे बैलेंस कम होता है उस बेचारे गरीब आदमी का 1,000 रुपये में से 800 रुपया काट लिया जाता है। मतलब बैंक की तानाशाही बढ़ गई, टैक्स लगातार कट रहा है, आपका क्या कहना, कैसा रहा आपका एक साल? देखिए, एक साल बहुत बुरा रहा है। नन दो आतंकवाद रुका, नोटबंदी के कारण बोला गया था कि काला धन आएगा, कुछ भी नहीं हो पाया है। ना काला धन वापस आया है, ना महंगाई कम हुई है, ना 15 लाख लोगों के खाते में आए। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी पूरी तरह से असफल रही है। ना आतंकवाद रुका है, सिर्फ ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, एक संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए। एक नौकरी पेशा आदमी, आम आदमी के लिए नोटबंदी कैसी रही? कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि GST का, जैसे मैं व्यापारी खुद ही हूँ तो मेरा व्यवसाय खुद ही चलता है, तो उसमें GST कुछ परसेंट कट जाता है। अभी 18% प्लास्टिक पे हुआ, या उसमें 5% कर दिया गया, फिर बाद में फिर कोई ना कोई GST और नोटबंदी में कुछ असर बहुत ज्यादा रहा है। मतलब व्यापारी खुश नहीं है उस कारण। देखिए, सबसे बड़ी बात है व्यापारी काफी परेशान हुआ, एक आम आदमी की हम बात करें साल बारी में क्या? एक आम आदमी के लिए नोटबंदी एक भयंकर वो था, विषय था, त्रासदी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक आम आदमी जितना परेशान हुआ शायद ही इससे पहले कभी परेशान हुआ हो, क्योंकि उसको बैंक की लंबी लंबी लाइनों में और बहुत लंबे समय के लिए लगना पड़ा, और इसमें कईयों की जान भी चली गई है, और उसके लिए मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और उनका जो ये फैसला था कि भाई ये नोटबंदी, उसके लिए ना तो कोई कैशलेस की पहले से तैयारी की गई और ना ही कुछ हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही। चलिए दीपक, तो आम लोगों में पीड़ा है और उनको वो कतारें याद आ गई हैं, उनको लंबी लाइनें याद आ गई हैं। दीपक, लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल जो लोग बता रहे हैं, अब इसके ऊपर अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चर्चा से निकले हैं, एक ये सुरक्षा देश की सबसे बड़ी है, आतंकवाद पर काले धन का इस्तेमाल रुका है, ये दावा एक तरफ है, दूसरी तरफ ये कहना है कि कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कैशलेस इकोनॉमी दुनिया भर में अपनाई जा रही है और आपको भी इस कॉम्पिटिशन में आने के लिए जरूरी था। अशोक जी, क्या इन दोनों बिंदुओं के लिहाज से नोटबंदी कामयाब रही? कैशलेस इकोनॉमी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि वो बिना नोटबंदी के भी संभव थी। भारत वर्ष विविधता वाला एक देश है, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई है। जब तक गांव-गांव तक बैंकिंग व्यवस्था नहीं पहुंचेगी, तब तक कैशलेस इकोनॉमी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकती है। इसे आपको धीरे से ही लागू करना पड़ेगा। नोटबंदी हुई तो नोटों की किल्लत होने के कारण कैशलेस इकोनॉमी को थोड़ा सी प्रोत्साहन मिला, और जैसे ही कैश आ गई बड़ी मात्रा में, वैसे ही लोग इसमें पीछे हटने लगे। और सामान्य रूप से आप देखेंगे कि बैंकिंग चार्जेस इतने अधिक ऊंचे हैं जिसके कारण से भी कैशलेस इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा आघात पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि नोटबंदी, मतलब आपका वो जो चार्जेस जिसकी बात कर रहे थे, जो टैक्स लगता है प्लास्टिक मनी पर, उसकी बात आप करें? जी जैसे क्या इस वजह से इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर? आपको 1-1.25% कमीशन लगता है, तो इससे बचना चाहते हैं व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग। तो सामान्य रूप से बैंकों के जो चार्जेस हैं काफी ऊंचे हो गए हैं, इसलिए भी कैशलेस इकोनॉमी जोर नहीं पकड़ पा रही है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं थी। जी, फास्ट आपका रिएक्शन चाहता हूं जो सुरक्षा को लेकर के काम आ रहे एक्सपर्ट। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा। निश्चित रूप से यदि सुरक्षा पर असर पड़ा है और नोटबंदी के माध्यम से सुरक्षा निश्चित रूप से मजबूत हुई है, तो एक अच्छा कदम होना चाहिए। परंतु जैसी समाचार पत्रों में घटनाएं आती रहती हैं, अनेक जगहों पर नक्सलवादी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, आतंकवादी घटनाएं भी होती रही हैं, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान आदि के माध्यम से हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रही हैं। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कोई इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, कुछ कमी आई, कोई फर्क पड़ा आपको लगा? मुझे इसके बारे में आकलन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में इसका असर पड़ा है या नहीं पड़ा। चलिए, फेयर इनफ, ये आप कह रहे हैं कि आप इस बात का आकलन नहीं कर सकते कि इसका क्या असर पड़ा है। अमित जी हमारे साथ में, अमित जी,
इन दोनों विषयों को, और खास तौर से मैं आपका ध्यान चाहूंगा प्लास्टिक मनी की तरफ, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। कैशलेस इकोनॉमी अपनाने में शुरुआती दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये के ऊपर अगर हमको 1 रुपये 1.5 रुपये भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो लोगों को वो शुरुआती दौर में भारी लग रहे हैं और कारोबारियों को भी लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये आदत की बात है, आते आते आएगी, जरूरी है? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है कि जनता के ऊपर कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के चक्कर में कोई एक्स्ट्रा बोझ ना आए। लेकिन मैं आपको कैशलेस इकोनॉमी से थोड़ा नोटबंदी पे फिर से ले जाता हूँ। नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो आए इसलिए क्योंकि लोगों ने बताया कि ये इसका एक फायदा है। आप कैशलेस की तरफ गए क्योंकि एक झटका लगा, जेब में आपके पास अकाउंट में पैसा लेकिन जेब में नहीं था, इसीलिए आपको बोला गया कि अब ये सही अवसर है, अब आप जाइए कैशलेस की तरफ। उस वक्त जो दौर था जब करेंसी की बहुत शॉर्टेज थी, अब वो दौर चला गया, वो 1 महीने का दौर था। अभी करेंसी पूरी तरीके से मौजूद है और मुझे लगता है कई लोग उस करेंसी का इस्तेमाल करके परचेसिंग अभी भी कर रहे हैं। नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाई गई? क्योंकि देश में लोगों को देश के प्रति प्रेम कम है। 125 करोड़ की जनता में से 1.5 करोड़ लोग क्यों टैक्स पे करते हैं, इसका कोई जवाब देगा? अगर आप लोग तकलीफ की बात करते हैं तो क्या देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं अपील करना चाहूंगा, अब जो ट्रैक पे आप लोग आ गए हैं खुद से बढ़ चढ़ के आइए, अनडिस्क्लोज चीजों को डिस्क्लोज कर दीजिए। तकलीफ किसी को नहीं है, व्यापार करने के लिए मना नहीं है। कहा गया है कि जो कच्चे की इकोनॉमी है भारत की, उसको पक्के की इकोनॉमी में ले आइए ताकि हम चाइना को बीट कर सके, ताकि हम अमेरिका को बीट कर सके। अगर हम कच्चे में काम करेंगे, आपके आपके पॉइंट्स में, आपके पॉइंट्स में निकालता हूं। एक आपने कहा कि फेयर काम कीजिए और इस फेयर काम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपने ये कहा, अगर आपकी बात से मैं निकालना चाहूं, कि ये जो प्लास्टिक मनी के ऊपर लगने वाला चार्ज है इसके बारे में विचार होना चाहिए, आपको भी लगता है इस पर विचार होना चाहिए? माहेश्वरी जी हमारे साथ, माहेश्वरी जी आपकी क्या राय है प्लास्टिक मनी के ऊपर लगने वाले चार्जेस, क्योंकि अगर आप कैशलेस की तरफ जाते हैं, नोटबंदी से ही ये उपजा था, नोटबंदी से इसको प्रमोट किया और जोड़ा गया था, क्या इस तरफ हम कामयाब हो रहे हैं और इसका कोई लाभ भी है लोगों को? निश्चित तौर पे प्लास्टिक मनी की ओर देश को आगे प्रगति की तौर ग्लोबल इकोनॉमी के कंपटीशन में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक मनी का प्रोत्साहन करना है, लोगों को उसकी आदत डालनी है, तो जो बैंक चार्जेस ले रहे हैं उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शुरुआती दौर में उसको जीरो करना चाहिए, जिससे लोगों का उसके प्रति आकर्षण बढ़े और व्यापार में प्रगति दिखे। तो इस तरफ कोई ध्यान है क्या? ये मांग क्या 1 साल बाद इस बात का आकलन करता हुआ कोई दिख रहा है? एक अपनी पीठ थपथपा रहा है, दूसरा ये बताने में जुटा हुआ है, दूसरा पक्ष बताने में जुटा है कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन क्या ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इस तरफ इनके आकलन, इनके असेसमेंट की तरफ भी कोई ध्यान है? नहीं, आप देखिए कि हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी के तहत इस साल भर में काफी व्यापार बढ़ा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी प्रचलन बढ़ा है और व्यापारियों के यहाँ इस तरीके के ग्राहक पहुँचने लगे हैं जो मशीनों में स्वैप करने लगे हैं। लेकिन सरकार को इसको और आगे ले जाने की दृष्टि के लिए बैंकों से ये आग्रह किया जाना चाहिए कि कम से कम मिनिमम चार्जेस लिए जाएं अथवा शुरुआती दौर में इसको जीरो पे लाया जाए, जिससे लोगों का आम रुझान उसकी ओर बढ़े। दीपक जी आपकी क्या राय है कैशलेस के बारे में, क्योंकि कैशलेस को जोड़ा गया था नोटबंदी के बाद, ये कहा गया था कि दिस इज द राइट टाइम, आपको इसी समय करना पड़ेगा और इसी समय करना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या इस पर कोई चार्जेस होने चाहिए? शुरुआती दौर में तो किसी को समझ भी नहीं आया कि वो 10 की चीज़ 10 में खरीदता है नोट दे करके, अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, किसी दूसरे विकल्प पर ले जाना चाहते हैं, तो 10 की चीज़ 11 या 12 रुपये में क्यों खरीदेगा? ये एक आम जनता का सवाल था। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की जो प्रोसेस होती है वो पूरी चैनल से होती है और वो अभी तक तो नोटों के द्वारा ही होती थी, लेकिन यकायक ये जो डिसीजन आया तो उन्हें बदलने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे रॉ मटेरियल का प्रिक्योरमेंट है या पैकेजिंग का प्रिक्योरमेंट है या जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है या जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है वो सब वो कैश में दिया करते थे, और उसके बाद जो छोटे व्यापारियों का जो माल खरीदते थे रिटेलर्स और डीलर्स वो भी कैश में पेमेंट करते थे क्योंकि उनके बैंक अकाउंट ही नहीं थे, और दूसरी बात कई लोगों के पास टिन नंबर भी नहीं था, तो जो पैसा आता था वो पूरा कैश के थ्रू आता था, और वो पूरा रोटेशन ब्लॉक हुआ है इस 1 साल के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी चेन है और उसको वापस से फंड फ्लो को लाने में टाइम लगेगा। और एक झटके में जो ये
कैश खींचा गया मार्केट से वो वापस पूरा साल निकल गया वापस मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो फ्लो चालू नहीं होगा। तो हमारी गुजारिश है कि उद्योगों को सस्ते दरों पे लोन दिलाया जाए और फंड फ्लो को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि उनके पास लिक्विडिटी रहे। अभी लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और जो बैंक चार्जेस है वो तो वास्तविकता है, बैंक चार्जेस बहुत ज्यादा है। छोटे उद्योग जो केवल कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई सर्वाधिक इस एक साल में। अमित जी, उद्योगों को मुझे तो नहीं लग रहा है क्या दिक्कत हुई है, आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप जो व्यापार कैश में करते हैं उसको आप बैंक के थ्रू कर दीजिए और वो एक महीना तकलीफ थी। आज मैं अगर अपना पर्स चेक करूंगा और आप लोगों का पर्स चेक करूंगा मुझे लगता है सबके पर्स में अकाउंटेड 20,000 रुपए दिख जाएंगे। करेंसी की कहीं पे अब कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने की दिक्कत जरूर रही और वो इंडिकेटिव एक डिसीजन लिया गया था। पर्टिकुलर अगर छोटे उद्योगों को इससे कोई क्षति पहुंचे कोई डेटा है तो इसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि वहां सर्वाधिक कैश फ्लो वहां हुआ करता था, उस चेन में हुआ करता था और वो अब तक उस मात्रा में लौटा नहीं। मुझे कोई ऐसा डेटा दिख नहीं रहा, अगर जनरलाइज बात कर रहे हैं तो मैं शायद उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अशोक जी, आप इस पर कोई राय रखना चाहेंगे क्योंकि आप भी ये लगातार कह रहे हैं कि छोटे उद्योगों को इससे इम्पैक्ट पड़ा है, उनको उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया। 30 अगस्त तक आप देखेंगे कि 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ गए थे। ऐसा माना गया था कि बैंकों में नोट जब वापस आएंगे तो लघु उद्योगों को छोटे उद्योगों को पैसा आसानी से मिल जाएगा, परंतु आप देखेंगे कि बाजार में मांग नहीं है, उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है, विस्तार हो नहीं पा रहा है, इसलिए वहां से ऋण उनको आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि बैंकों के पास पैसा बेकार पड़ा हुआ है, बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ते जा रहा है, कुछ बैंकों का एनपीए इतना बढ़ गया है कि उनकी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ का एनपीए बढ़ गया है, तो वास्तव में हम देखें तो बैंकों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और बैंक काफी बड़े खतरे में पहुंच गए हैं। इसकी ओर हमको बहुत तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये छोटे उद्योगों की वजह से, ये मझोले उद्योगों की वजह से ऐसा आपको लगता है, वहां पे कैश फ्लो की वजह से नहीं, ये बड़े उद्योगों की गड़बड़ियों के कारण। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि कई लोगों की मिलीभगत के कारण बैंकों ने बड़े उद्योगपतियों को आसानी से ऋण प्रदान किया, उनके द्वारा ऋण भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये आम जनता कह सकती है कि उनकी गलती थी इसलिए वो भुगत रहे हैं क्योंकि उन बड़े लोगों को आपने दिया और वो ढंग से नहीं दे रहे, ये एक अलग इशू है। मेरा सवाल ये था कि क्या छोटे मझोले उद्योग, जिसके बारे में हमारे एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वहां पर कैश फ्लो से ही काम चलता था और अब वहां प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा इसलिए उनको असर हुआ है, तो क्या इसका अब कोई हल आपको होता दिख रहा है क्योंकि इन पे टैक्स भी आपको देना पड़ रहा है, चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं? हाँ, सही, आपने सही बात कही, बैंकों से इनको आसानी से ऋण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बैंकों की स्थिति बहुत खराब है और बैंक ऋण प्रदान करने में काफी अब हिला हवाला करने लगे हैं, इसके कारण से इनकी स्थिति काफी कमजोर हुई है। और दूसरा आप देखेंगे कि जीएसटी आ गई, जीएसटी के कारण से कुछ दिक्कतें बढ़ गई, तो एक तो पहले नोटबंदी का प्रभाव। चलिए, मैं बहुत जल्दी आपने दो पॉइंट रखे अमित जी, आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे इस पर। नंबर वन, एनपीए की जो बात है, एनपीए नोटबंदी से जुड़ा नहीं है। एनपीए तो ऐसी चीज है कि अगर जो व्यक्ति लोन ले रहा है और नहीं चुका रहा है तो उसको एनपीए कहा जाता है, तो नोटबंदी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, हम लोग बैंक्स के भी ऑडिट किया करते हैं। नवंबर के बाद 31 मार्च जो खत्म हुआ फाइनेंशियल 16-17 का, हमने बैंक का ऑडिट भी किया है, अप्रैल में हुआ है। रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट्स हैं कि जो लोन बैंक्स ने पहले दिए हैं उससे सभी बैंक्स ने ज्यादा लोन प्रोवाइड किया है। आज भी आप चलिए 7 दिन में आपको लोन मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी होम लोन के कम हो गए हैं, सारे कम हो गए हैं। चलिए ठीक है, अब मैं अपने दो सहयोगी के पास जाता हूं, राकेश आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके साथ में लोग मौजूद हैं तो सिर्फ इतना पूछिए कि एक साल बाद नोटबंदी पास या फेल, क्या लगता है उनको, बहुत जल्दी से। एक साल हो गया है नोटबंदी को और पिछले एक साल में काफ़ी मंदी का सामना किया है, पर हम फिर भी आशा करते हैं कि आगे जाके वापस तेज़ी आएगी जब इसके अच्छे प्रभाव सामने आएंगे। और बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि जो भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पे MDR चार्जेस लगते हैं सरकार उनको सब्सिडाइज करे या बिल्कुल ज़ीरो कर दे ताकि हम लोग प्रोत्साहित हों कि हम कार्ड से ही पेमेंट लें और वाकई जो नोटबंदी का मेन मोटिव था कि कैशलेस इकोनॉमी बने वो पूरा हो पाए और हम लोग
क्योंकि अभी जो 1.5-2% चार्ज लगता है वो हमें हतोत्साहित करता है कि हम बात वही दोहराई जा रही है। हमारा सवाल ये कि नोटबंदी पास या फेल उनको क्या लगता है एक साल बाद। चलिए दीपक के पास चलते हैं दौर। दीपक आपके साथ अगर लोग मौजूद हो आर्थिक राजधानी में, लोग क्या कह रहे हैं, जहां आप खड़े वहां लोग क्या कह रहे हैं, नोटबंदी एक साल के पूरे कार्यकाल को देखने के बाद में पास या फेल क्या लगता है, निर्णय पास लगता है उनको या फेल लगता है? बिल्कुल, तो हम तुरंत ही रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी एक शब्द में आप बताएं पास हुई है फेल हुई है, कितना असर हुआ इसका? बहुत बुरा असर हुआ है, हर तरीके से फेल हुई है, बाजार से नोट नाम की चीज ही गायब है। आपका क्या कहना है नोटबंदी को लेकर? सर, नोटबंदी के मामले में तो मैं यही कहूंगा कि जो कयास लगाए जाए थे वो टोटल उस पर खरी नहीं उतरी और नोटबंदी फ्रॉड साबित हुआ। आपको क्या लगता था नोटबंदी पास हुई या फेल हुई? बिल्कुल फेल हो गई, थर्ड क्लास की तरह। और बहुत बुरी स्थिति है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल जेब है ना खाली है। अभी त्योहार चले गए, अभी शादी ब्याह आएगा, नील बटे सन्नाटा हो गई पब्लिक। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका क्या कहना है नोटबंदी को लेकर? नोटबंदी पूरी तरह से फेल है, ना काला धन आया है, ना भ्रष्टाचार रुका है, ना महंगाई कम हुई है, ना आतंकवाद कम हुआ है, पूरी तरह से फेल रही है। आम आदमी का क्या सोचना है नोटबंदी को लेकर एक साल के बाद, आप क्या कहेंगे? सर, नोटबंदी तो पूर्ण रूप से फ्लॉप रही है और जनता का कहना तो सिर्फ चलिए दीपक, तो तमाम लोगों में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि नोटबंदी उनकी नजर में फेल है। राधेश्याम माहेश्वरी जी, सीधे आप ही से पूछता हूं, आपके मुताबिक नोटबंदी का कदम कामयाब नाकामयाब पास फेल क्या आपके मुताबिक है? व्यापारियों की जो दृष्टि से जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार बढ़ा है, इसलिए प्रारंभ तौर पर आंशिक तौर पर फेल नहीं हुई है, अधिकतम पास हुई है। चलिए दीपक जी, आपकी राय पास या फेल? फेल। चलिए आपके मुताबिक फेल हुई मुझे है। लगता है कि नोटबंदी जिस तरीके से की गई वो तरीका सही नहीं था। चलिए तरीका सही नहीं था, ओवरऑल फेल आप इसको करार देते हैं। अमित जी, फाइनली आपने सबकी बात सुन ली, एक अमेंडमेंट या एक दो तीन अमेंडमेंट अगर इसमें कुछ करने के लिए मौका अगर आप सरकार का देखते हैं तो वो क्या है? मुझे ये लगता है कि चार्जेस पे जल्दी से जल्दी इनको एक एक्शन लेना चाहिए, चार्जेस खत्म कर दें, प्लास्टिक मनी पर लिए जाने वाले चार्जेस 100% खत्म कर दें। और बाकी करेंसी मार्केट में आ चुकी है, मुझे लगता है कि नोटबंदी का जो निर्णय था वो देश हित में लिया गया था और देश बहुत जल्दी आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आपने वैसे ऑलरेडी पास कर दिया, अशोक जी आपकी राय, पहली बात तो पास या फेल और दूसरा अमेंडमेंट की बात। मैं समझता हूँ कि नोटबंदी इस अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी भूल थी और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को काफी आघात पहुंचा और सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 2.25 लाख करोड़ की कमी आई। कुल मिलाकर के आप यदि देखेंगे तो काले धन के ऊपर कोई वार नहीं कर पाया, यह ठीक काले धन पे आंशिक रूप से ही आप देखेंगे कि असर हुआ है। हमारी असली समस्या, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि काला धन नहीं है, हमारी असली समस्या भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पे यदि रोक लगाना है तो हमारे को पूरी व्यवस्था के ऊपर परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने देश में गुड गवर्नेंस की ओवरऑल पास या फेल आप क्या मानते हैं? पास। मैं समझता हूं कि ये पूर्ण रूप से असफल रही है। चलिए आपके मुताबिक फेल, तो ज्यादातर जनता जिनको दिक्कत हुई इसको फेल करार देती है लेकिन फिर भी एक आस छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस पर चार्जेस को हटा ही लें तो सबसे बेहतर है, अदरवाइज इनके चार्जेस को कम किया जाए। सबके रिएक्शन जो लिए, ओवरऑल तमाम लोगों का मानना है कि देश हित में लिया गया फैसला था, नियत पर कम लोग इस पर सवाल खड़े करते दिखाई पड़े अभी भी इस फैसले के साथ में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, वक्त बहुत कम था लेकिन इस कम वक्त में भी आप सबने अपनी राय हमारे साथ में साझा की है। जाते जाते कुछ महिलाओं का नोटबंदी पर रिएक्शन क्या है, क्या वो कह रहे हैं, यह सुनते जाइएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। और किचन का मैं ये बोलूंगी कि ज्यादा तो उतना प्रभाव पड़ा नहीं है और योजना तो बहुत अच्छी है, अभी सब रूटीन में आ गए हैं तो उसकी जो फायदे हैं अभी समझ में आ रहे हैं लोगों को। नोटबंदी बहुत अच्छी योजना थी और रहना भी चाहिए क्योंकि इससे सभी लोगों के पास जो धन था, काला धन और जो बेकार में लोग बात कहते थे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है पैसा नहीं, जब मोदी जी ने नोटबंदी का योजना शुरू की तो लोगों के पास बहुत काला धन निकला।